तो हेलो गाइस, तो गाइस आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी नो टॉपअप आईडी कलेक्शन के बारे में, मतलब पूरा दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं कैरेक्टर सेक्शन दिखाता हूँ। तो अभी एडम देखे नूब मत समझना, मैं बस अभी ये लेवल 6 लियोन है इधर, ओके, ये जो कि लॉग इन रिवॉर्ड में हमें फ्री में मिल रहा था, और थीवा भी है, ये भी लॉग इन रिवॉर्ड में हमें फ्री में मिल रहा था, ओके। और स्काइलर तो अभी जो इवेंट आया है जिसपे कि टोकन इकट्ठा करके हम एक्सचेंज कर सकते हैं उस पर मिल रहा है, मैंने मतलब लिया। और ये तो गोल्ड में मिल रहा था, सारे गोल्ड कैरेक्टर रिमूव हो चुके हैं, और ये भी गोल्ड में मिल रहा था, और ये अभी 100 टोकन से कैरेक्टर्स एक्सचेंज करने वाले इवेंट से लिए 99 कैरेक्टर्स ले सकते हैं मैक्स, ओके, उतने तो है भी नहीं फ्री फायर में, ठीक है। तो ये तो लॉग इन रिवॉर्ड में एक बार मिल रहा था मोको रिबर्थ इवेंट में, ओके, और ये एलीट मोको भी करके रखा है मैंने अनलॉक, ओके। तो एंटोनियो तो उसी से मिला था गोल्ड से, मैंने 4th एनिवर्सरी के टाइम में लिया था जब 44,444 गोल्ड मेरे को फ्री में मिला था, ओके। तो अभी कैली तो सबको ही मिलता है लेवल अप रिवॉर्ड में, और एलीट कैली भी मैंने अनलॉक करके रखा है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट है क्ला तो सब गोल्ड में ही मिलता है, ओके। और एंड्रू तो सबको लेवल अप में मिलता है, इसका एलीट एंड्रू मैंने अभी तक नहीं किया है अनलॉक, ओके। तो दिमित्री ये मेरे को बुई ऐप से मिला था, मैं बुई ऐप काफ़ी वॉच करता हूँ और उससे विन करता हूँ मैं, तो आई एडवाइस आप भी देखो, बिना एक पैसा डाले गेम में आप मतलब बहुत सारे अवार्ड जीत सकते हो। और गाइस मैंने एक एयर ड्रॉप भी नहीं लिया, और एक डायमंड भी आज तक मैंने अपने इस आईडी में नहीं देखा है, ठीक है। नेक्स्ट है डीबी, तो ये भी मेरे को बुई ऐप से मिला है, लेकिन मैं चाहता तो मैं गोल्ड से भी ले सकता था, लेकिन मेरे को मिला तो बुई ऐप में ही, ओके। और डीजे एलोक, ये तो ये जो इवेंट है ये 100 टोकन से कैरेक्टर एक्सचेंज करने वाला, उसी से लिया। और हयात तो आपको पता ही है यार, सबको फ्री इसको मतलब सबको अभी हाल ही में फ्री में मिल रहा था कुछ दिन पहले, लेकिन मैंने उस टाइम नहीं लिया था, मैंने उसके पहले बहुत टाइम पहले ये गोल्ड से ख़रीद लिया था, ओके। और नेक्स्ट है मैगजीम, ये तो सबको लेवल अप में मिल जाते हैं। और जोटा गोल्ड से लिया था, मिगल गोल्ड से, मीशा गोल्ड से, फॉर्ड गोल्ड से, ये भी गोल्ड से, जेन शेरो भी गोल्ड से, राइफल भी गोल्ड से, और ये तो लेवल अप में मिला था, ओके। तो अभी मैं क्विक करके रखता हूँ एडम चचा, ओके। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ गन कलेक्शन, तो इधर से आप देख सकते हो इतने सारे गन हैं, लेकिन अब मैं आपको धीरे से एक एक करके दिखाता हूँ वेपन आर्मरी में, ठीक है। तो M4A1 की एक है, एक एक ही दो है, एक ही लेजेंडरी है, ये मतलब मेरे को एक क्रेट मिला और उसी में से मेरे को ये परमानेंट मिल गई थी, रुकी कहाँ चली गई, हाँ ये है, तो इसे शोइंग लॉबी भी कर लेता हूँ, ओके। और ये तो अभी आपको पता ही है रमज़ान इवेंट में मिल रहा है 50 टोकन से ये वाली एक एक स्किन। और M14 के ये स्किन तो मेरे को सीजन 24 उस पर BR रैंक में मिला था मेल बॉक्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट है स्कार, ये मेरे को सीजन 22 BR में मिला था मेल बॉक्स में, और ये तो टेम्पररी है लेकिन काफ़ी कूल लग रही है ये स्कार की स्किन, तो ये स्कार का सेक्शन है। और ये M14 दिखाई थी मैंने वाली स्किन, ओके। तो नेक्स्ट ये है, ये मुझे भी नहीं पता कहाँ से मिली मेरे को, और ग्रोजा की तो एक भी नहीं है मेरे को, मतलब मेरे पास एक भी स्किन नहीं है। और फेमस की मेरे को सीजन 26 में उस पर मिली थी मेल बॉक्स में, और ये तो टेम्पररी है, ओके। एग्जामेट की एक भी स्किन नहीं है। AN94 इसका एक ये भूया वाला, ये तो हमें कुछ मतलब टोकन इकट्ठा करने फ्री में मिल रहा था, अगर अभी भी आप 14 दिन एक आईडी से गेम ना खेले उसके बाद लॉग इन करो तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे चूज़ करने के लिए। और ये बाकी तो ये सीजन 8 क्लैश स्क्वाड का है, ओके। तो अभी चलते प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा की तो एक भी स्किन नहीं है मेरे पास, इसकी तो बहुत कम लोगों के पास ही प्लाज्मा की स्किन है। और ये ऑग की मेरे पास सिर्फ मतलब 3 ही है, वैसे सिर्फ तो नहीं, नो टॉपअप आईडी के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, तो उसका डैमेज और रीलोड स्पीड प्लस है और मूवमेंट स्पीड प्लस है,
इसका रेंज और डैमेज प्लस है, मूवमेंट स्पीड माइनस है, इसका रीलोड स्पीड माइनस और रेंज ज़्यादा है। तो बेस्ट तो यही है एट्रीब्यूट्स में, हाँ, और लुक में भी ज़्यादा अच्छी यही है। एट्रीब्यूट्स में अगर इसकी रेंज ज़्यादा होती तो और भी मज़ा आ जाता। और ये मेरे को डायमंड रॉयल से सिर्फ 30 लाख में ही मिल गई थी। ओके, तो अब ये पैराफल की, तो ये मेरे को मिली थी मेल बॉक्स में। ओके, और किंगफिशर की एक भी नहीं, SKS की ये सीज़न 23 में मिली थी मेरे को मेल बॉक्स में, और ये क्लैश स्क्वाड सीज़न 11 में मिली थी। तो वुड पैकर, ओके, तो ये जो वुड पैकर है इसकी ये वाली स्किन तो हमें उस पर मिल रही है, अभी भी आप ले सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हो रैंक टोकन से। ओके, और ये तो हमें क्रिम्सन हेयर गोल्ड रॉयल में जब आया था तो उसी टाइम में हमें ये भी फ्री में मिल रहा था। ठीक है, AC80 की तो एक भी नहीं, AC80 की आज तक जितनी भी स्किन आई है सारी टॉपअप है। ओके, तो M249 की एक कुछ बहुत 7 दिन लॉगिन करने मिल रहा था, कॉर्ड का ये मतलब टोकन इकट्ठा करके मिलते जा रहे थे ना, तो उसी पे मिल गया था। UMP का क्रैश क्वाड सीजन 10 में मिला था। ठीक है, तो नेक्स्ट है MP5 में ये हिपस्टर बनी 7 दिन लॉगिन करने मिल रहा था, और ये जो टेम्पररी है, और VSS में नहीं है, MP40 में नहीं है, P90 में नहीं है, और कहा गया हाँ CG15 तो नहीं है, CG15 के गन स्किन काफ़ी रेयर है, और थॉमसन का एक ये टेम्पररी है। ठीक है, तो टेम्पररी का तो मतलब देखने की ज़रूरत नहीं है। और शॉटगन में M1014 का एक ये सस्ता डायमंड रॉयल है, मतलब वेपन रॉयल, और ये मेरे को ये तो मेल बॉक्स मिल रहा था, और ये वही है सस्ता डायमंड रॉयल मतलब वेपन रॉयल, और ये तो मेरे को क्रेट से मिला था। ठीक है, और स्नाइपर इस पर AWM की स्किन मेरे को क्रेट से मिली थी, और कार 98 की वाली स्किन तो हमें मिल रही थी उस पर टोकन में, अभी भी मिल रही है, तो आप ले सकते हो, करीब कुछ 25 टोकन से एक्सचेंज कर सकते हैं इसे। और ये तो सस्ता वेपन रॉयल, और M82B की ये स्किन भी वेपन रॉयल से निकल गई मेरी, बहुत कम लक में अराउंड, नहीं कम लक में तो नहीं, 100 लक चला गया था तभी मिली। और ट्रीटमेंट स्नाइपर की तो आई ही नहीं अभी तक स्किन, तो होगी कैसे। और पिस्टल्स में सिर्फ M1917 की एक है, जो मैं 1 घंटे खेलने में मिल रही थी, कलर ब्लेज करके। ठीक है, तो और ये तो डिफ़ॉल्ट है। और मिली वेपन में पैन की ये दो है, एक ये स्क्वाड बीट्स वाली और एक ये मोको वाली, ये दोनों तो आपको पता ही है फ्री में मिल रही थी। और ये तो अभी 20 रन इवेंट में हमें एक हाथी जैसे किसी जानवर को मतलब बहुत ज़्यादा उछालना होता है, तो उसी पे मिल रही है ये पतंग की स्किन, और ये मुझे नहीं पता मेरे पास कहाँ से आई। और ये रमज़ान की ये मेरे को याद नहीं, अभी हाल ही में तो आई, अभी तो रमज़ान इवेंट चल रहा है तो अभी तो आई है, लेकिन मैं भूल गया मेरे को कैसे मिली, शायद से 3 CS रैंक में भूया करने में मिल रहा था। और ये मोको स्विंग्स मेरे को याद नहीं, बहुत पहले मिला था, और ये भी बहुत पहले मिला था तो याद नहीं कैसे मिला फ्री में। ओके, तो फीस्ट की तो भाई सारी टॉपअप है इसलिए नहीं होगी। नेड की तो 3 है, ये तो बुयाडे में मेरे को याद नहीं कैसे फ्री में मिल रही थी, ये भी नहीं याद कैसे फ्री में मिल रही थी, और ये भी नहीं याद कैसे फ्री में मिल रही थी। और ग्लू वॉल की तो एक स्किन है मेरे पास, अभी जो हमें फ्रेंड्स को इनवाइट करने में मिल रहा है ना ये स्किन, भाई काफ़ी सही स्किन है, और समझ रहे हो मतलब एक डायमंड भी टॉपअप नहीं किया तब भी ये मिल रही है। अगर मैं फ्री फायर एकदम स्टार्टिंग से खेल रहा होता, अभी मेरे पास करीब 4 ग्लू की स्किन होती, नहीं हाँ पता नहीं कुछ 3 होती ग्लू की स्किन, एक ये और एक छोटी वाली, और एक और फ्री में मिल रही थी ब्लैक कलर की, वो 3 होती क्योंकि ये 3 टॉप अप है। और इसकी तो एक ही है टेम्पररी है वो भी, अदर्स में M79 की और बाकी किसी की भी नहीं। ठीक है, तो अभी मेन चीज़ वॉल्ट में आता है, तो वॉल्ट में देख सकते हो एक ये शेडो और शेखर बंडल है। ठीक है, और ये फ्यूरी ट्राइब है, ये तो आपको पता ही है कि फ्री में मिल रहा है वही टोकन इकट्ठा करने में, जैसे मेरे को वो AN94 की बुया वाली स्किन मिली थी वैसे ही उस इवेंट में ये भी था। और ये तो मेरे को मिल गया था मेरे लाइफ के फर्स्ट तो नहीं, पता नहीं कितने लक में मिल रहा था, लेकिन 100 क्या 70 से भी कम लक में मिल गया था ये मेरे को।
ठीक है, डायमंड डॉल्स। और ये तो आपको पता है कि 4th एनिवर्सरी में फ्री में मिल रहा था। इस पे बस आपको क्या करना था, आपको ऐसे पजल सॉल्व करने थे, ठीक है। और ये बाल, ये दोनों बाल तो हमें उस पे मिल रहे थे, क्या बोलते हैं, मैजिक क्यूब क्रेट। और ये BTS बंडल जो 100 BTS टोकन एक्सचेंज हो रहे थे ना 1 BTS क्रिस्टल से, तो उसी से मेरे को ये वाला मिला। और ये बाल तो रैंक टोकन से किया, ये पूरा बंडल नहीं है, ठीक है। और ये भी पूरा बंडल नहीं, ये पता नहीं कोई लाल टोकन से हो रहा था ना एक्सचेंज, ठीक है। तो नेक्स्ट ये देसी गैंगस्टर, ये तो रंग दे रंगोली इवेंट में आया था, जो कि दिवाली में आया था वो इवेंट, ठीक है। और ये मतलब अब इसकी तो दो ही और चीज़ें चाहिए और मेरे पास ये पूरा बंडल हो जाएगा। ये रैंक टोकन से मिल रहा था, अभी भी ले सकते हो आप, ठीक है। और ये क्रिम्सन हेयर, ये तो वो गोल्ड रॉयल है। और अरे यार फिटिंग रूम में क्यों चला गया, हाँ अरे वापस फिटिंग रूम में चला गया, एक मिनट का इसका गया, हाँ। तो ये पूरा ब्लू सिल्क रॉयल्टी, ठीक है। तो ये तो ये दोनों तो वो है, ये ब्लू सिल्क रॉयल्टी और क्रिम्सन है वो है, क्या बोलते हैं, गोल्ड रॉयल, ओके। तो एक ये द प्रिमेस्टिक ऐसे ही वॉरियर कुछ है, ठीक है। तो ये तो हमें अभी होली में मिल रहा था फ्री में, कुछ हमें मिशन करने थे, वाटर बलून कलेक्ट करने थे ना, नहीं कि क्या करना था, कुछ तो करना था। और ये मैजिक क्यूब क्रेट से सबको ही मिलता है यार, ये तो सबके पास ही होता है। और नेक्स्ट ये वाली हैट है, मुझे नहीं पता ये मेरे को कहाँ से मिली। और मास्क तो 15 है, ये देखिए एक बंडल बंडल नहीं दिखाया मैंने, ठीक है। और एक ये मास्क है, ये और ये स्कार्फ है इसका। और ये देखो ये काफ़ी फनी लगता है मेरे को, एलियन वाला मुंह। और ये वाली तो नाइन है, ये जो भी है, ठीक है। रुको मैं ये मास्क हटा के दिखाता हूँ, अब देखेंगे। देखो एक ये है, ठीक है, और एक ये है, एक ये है, और एक ये है। ये होली वाला काफ़ी सही है, मुंह में पूरे होली के कलर लगे थे, जब मैं होली खेल के आया था मेरा मुंह भी कुछ ऐसे ही था, ठीक है। और शर्ट तो मैं दिखा ही नहीं रहा, मैं सीधे ऐसे स्क्रॉल कर रहा, क्योंकि 71 शर्ट है यार, दिखाऊंगा तो वीडियो 1-2 घंटे की हो जाएगी। और ये तो अभी वो इनवाइट वाले इवेंट में मिल रही है फ्री में, ठीक है। और पैंट 44 है, मैं एक बस ही फनी वाली पैंट दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। और बाकी तो यार कैसे दिखाऊँ इतने सारे 44। और जूते में जल्दी जल्दी देख लो, 34 जूते। और पूरे बंडल में तो एक ही फीमेल का ही है। और देखो इमोट तो एक ये वाला इमोट है मेरे पास, ओके। और एक ये जो अभी फ्री में मिल रहा है, इसमें एकदम बहुत जल्दी जल्दी करता हूँ, ये देखिए ऐसे तो जल्दी जल्दी काफ़ी मज़ा आता है इस इमोट का एकदम जल्दी जल्दी करने में, ठीक है। तो एक ये है क्लैपिंग वाला, और एक ये उसके बाद फिर ये एक है, ये होली इवेंट में फ्री में मिल रहा था, ये मेरे को बुई ऐप से मिला, ये भी बुई ऐप से मिला, और ये अभी इनवाइट वाले इवेंट में मिल रहा है, ठीक है। तो वॉल्ट में और भी देख लेते हैं, अभी प्रोफाइल में देखते हैं थोड़ा। ये पिंस तो ये सब तो आपके पास होंगे, ये BTS इवेंट में फ्री मिल रहा था, असेशन क्रीड इवेंट में फ्री में मिल रहा था, स्क्वाड बीट्स में फ्री मिल रहा था। और ये तो अभी रमज़ान इवेंट में फ्री में मिल रहा है, और ये मोको रिबर्थ इवेंट में फ्री में मिल रहा था, और ये याद नहीं मेरे को कब मिल रहा था फ्री। और ये बैनर क्या ही दिखाओ यार, 46 एकदम जल्दी जल्दी देख लीजिए, ये मेरा फेवरेट है, ओके। और ये तो 59, और ये CS:NK का Season 7 गोल्ड बैनर, ये काफ़ी रेयर है। और बाकी तो जल्दी जल्दी देख लो, क्योंकि 59 है ऑलमोस्ट 60। और ये तो चार ही है म्यूज़िक तो सबको बिना कुछ करे फ्री में मिल जाते हैं। तो ये 87 है क्यूब फ्रैगमेंट, और 2 एवोल्यूशन स्टोन है, 1 ब्लूप्रिंट है। और ये जो भी टोकन है, 31 है रैंक टोकन है, ये 3436। और ये डायमंड रॉयल वाउचर 5, ये वेबन रॉयल वाउचर 3, और ये 100 रुपये का डायमंड में डिस्काउंट लगाने का 10 है, ये दोनों 10 है। ये 42 नियॉन स्टिक है, 4 ये ड्रीमी स्फीयर है, ठीक है। उसके बाद फिर ये रमज़ान टोकन 14, और एक गोल्ड रॉयल वाउचर तो है 36, और गिल्ड टोकन है 600, और ये 712 है यूनिवर्सल फ्रेगरेंट,
और गन क्रेट्स देख ही सकते हो आप लोग, गन क्रेट तो पता है भाई सबको कि फ्री में मिलता है। एंड देन व्हीकल में आते हैं तो इसकी तो ये तीन है, तीनों फ्री में तो आपको पता ही है कैसे मिल जाए। और इसकी भी दो है, और ये इसकी तो एक ही है जीप की, और इन दोनों की तो एक भी नहीं है। ठीक है, तो कलेक्शन में बैकपैक की मेरा फेवरेट वाला ये है, ये 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 एक दो तीन, ये तो फायर पास में मिल रहा है। और ये टोकन से, ये लॉग इन रिवॉर्ड, ये लॉग इन रिवॉर्ड, ये पता नहीं कहाँ से मिला, ये पजल सॉल्व करने में मिल रहा था। ठीक है, और बाकी ये सब तो देख सकते हो, तो फ्री में ही मिलता है जितने भी वो है लूट बॉक्स। ठीक है, तो और ये पैराशूट भी सब फ्री में ही मिलता है। और ये सर्फ बोर्ड 9 है, मेरा फेवरेट ही है। और बाकी ये बजल में मिल रहा था, ये मोको रिवॉर्ड इवेंट में मिल रहा था, ये पता नहीं कैसे मिला, ये तो लॉग इन रिवॉर्ड था। और ये याद नहीं, ये याद नहीं, और ये तो पता नहीं कैसे, क्या मिशन करना है इस पे जो मिलता है, अभी रमज़ान इवेंट में मिल रहा है। और ये तो एक भी नहीं है क्योंकि डायमंड टॉपअप से आता है। ठीक है, और बाकी तो इधर कुछ भी नहीं है। तो अभी नेक्स्ट है, अब क्या है, हाँ पेट सेक्शन। ओके, तो गाइस पेट सेक्शन में मेरे पास ये ड्रेक ही है, मेरे को बुई ऐप से मिला था। ठीक है, और ये येटी है, ये लॉग इन रिवॉर्ड में मिल रहा था उस इवेंट में, क्या बोलते हैं, विंटर लैंड। ओके, नहीं हाँ, जब एकदम विंटर चल रही थी ना तब। और ये तो आपको पता ही, आधे घंटे देखने में मिल रहा था पांडा पेट, इसका नाम मैंने पांडू रख दिया, पांडे रखना चाहिए था। तो ये मैंने अपने ड्रकी का नाम रखा है लाडन, और मेन पेट तो मैं आपको दिखाना भूलेगा, किट्टी, इसका नाम मैंने गोलू मोलू रखा है। ठीक है, तो अभी मैं क्या ही दिखाऊँ, तो सब कुछ हो गया, अब मैं बस इधर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, अभी बीआर रैंक में मेरी रैंक अभी डायमंड 2 है, और एम्ब्लेम 2 है, हीरो के एम्ब्लेम। ठीक है, और सीएस रैंक में तो अभी एक भी एम्ब्लेम नहीं, शर्म आने में को दिखाने में कि एक भी एम्ब्लेम नहीं। और भाई सीएस रैंक का भाई मैं दिखा रहा था आपको कि सीजन 7 गोल्ड बैनर रेयर, मैं आपको बता रहा था, अब समझ में बिल्कुल रेयर नहीं, क्योंकि अभी तो सिर्फ सीजन 12 ही चल रहा है। मैंने सोचा कुछ सीजन 40 कुछ चल रहा होगा, लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं है। और ये तो आप देख ही सकते हो मेरा ये जो भी इसे बोलता है। ठीक है, तो बैज दिखा देता हूँ, ये इतने बैज है। मैं इस वाले मतलब उससे नहीं खेल रहा था, मैं फैन वाले इवेंट से खेल रहा था, और मतलब सीजन से। ठीक है, और मेरी कज़न तो उससे भी पहले खेल रही थी, तो उसी ने मेरे को बताया था। अगर उसने नहीं बताया होता, अभी मैं कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता, ये गेम नहीं खेलता फ्री फायर। ठीक है, तो चलिए गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस आप बताना आपको कैसा लगा ये वीडियो, और आपको मेरी कलेक्शन कैसे, मिलता हूँ अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।